हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों आज हम बात करेंगे महिला क्रिकेट टीम के बारे में। दोस्तों बांग्लादेश दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें 3 खिलाड़ी को टीम में जगह नहीं दिया गया है। दोस्तों बांग्लादेश के खिलाफ वनडे और T20 के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। इस सीरीज के सभी मैच सेरे बांग्ला नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले जाएंगे। दोस्तों टीम इंडिया की कप्तानी हरमनप्रीत कौर और उप कप्तानी स्मृति मंधाना के हाथों में होगी। दोस्तों महिला चयन समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। दोस्तों तेज गेंदबाज रेणुका सिंह, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋचा घोष, अनुभवी ऑलराउंडर शिखा पांडे और बाएं हाथ के स्पिनर राजेश्वरी गायकवाड़ को 9 जुलाई को से शुरू होने वाले बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज में टीम इंडिया में जगह नहीं मिली है। दोस्तों BCCI ने इस बात की जानकारी प्रेस रिलीज नहीं किया है कि आखिर किन कारणों से ये 3 खिलाड़ियों को टीम में शामिल नहीं किया गया है। दोस्तों ऋचा घोष की गैर मौजूदगी में असम की उमा छेत्री के लिए दरवाजे खुल गए हैं, जो T20 और वनडे दोनों टीम में यास्तिका भाटिया के बाद दूसरी विकेट कीपर हैं, जो अच्छी प्रदर्शन किए हैं। दोस्तों 20 साल की उमा भारत के ए टीम का हिस्सा रह चुकी हैं, जिसने हाल ही में हांगकांग की ACC इमर्जिंग नेशनल टूर्नामेंट का खिताब भी जीता था। दोस्तों केरल की ऑलराउंडर मीनू मणि और बाएं हाथ के स्पिनिंग जोड़ी अनुषा बरेडी और राशि कनौजिया को T20 और वनडे के लिए बुलाया गया है। दोस्तों हरमनप्रीत कौर वनडे और T20 दोनों टीमों की कप्तानी संभालेंगे, वहीं स्मृति मंधाना को उप कप्तान का जिम्मेदारी सौंपा गया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।